20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आप हरियाणा से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कर लें। आज है 1 दिसंबर, दिन मंगलवार, और पेश है हरियाणा की फटाफट अंदाज में 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त गवाए खबरों की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला में झेलना पड़ा किसानों का विरोध, काले झंडे दिखा किसानों ने जताई नाराजगी। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर है। वहीं अंबाला कैंट के गांव पंजाखोरा में पंजाखरा पहुंचे हरियाणा के गृह अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने विज को काले झंडे दिखाए, इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिस व मंत्री की सुरक्षा कर्मियों ने कार में सवार मंत्री विज को बड़ी मुश्किल से निकाला। किसानों ने कहा कि गांव में भाजपा और जजपा नेताओं का इस तरह से विरोध किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप जड़ा। उल्लेखनीय है कि मंत्री अनिल विज गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत। कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गजन सिंह नामक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। किसान बहादुरगढ़ बाईपास पर न्यू बस स्टैंड पर था, जिस वक्त उसे दौरा पड़ा। जानकारी के अनुसार मृतक गजन सिंह लुधियाना समराला के खटरा भगवानपुरा गांव का रहने वाला था। मृतक किसान की उम्र करीब 50 वर्ष है। कुरुक्षेत्र में एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई, सस्पेंड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एसडीएम को सस्पेंड किया गया। दरअसल एसडीएम पर आरोप है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों के बचाव में संलिप्त हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियां चलाने वाले वाहन मालिकों को लालच देकर सड़क पर चेकिंग की जानकारी देने के मामले में फंसे लाड़वा के तत्कालीन एसडीएम अनिल यादव के रीडर व चपरासी के साथ अब एसडीएम भी घेरे में है। इसी मामले में पहले एसडीएम का तबादला लाड़वा से किया गया था, मगर अब उन्हें इस मामले में निलंबित किया गया है। मन की बात सुनने के बजाय देश के प्रधानमंत्री को जन की बात सुननी चाहिए, अभय सिंह चौटाला ने साधा निशाना। इनेलो प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश कृषि प्रधान होने के नाते जहां कृषि कानूनों को किसानों की राय लेकर बनाना चाहिए, वहां लोग कृषि कानून बना रहे हैं। वही लोग बनाते हैं जिनका खेती से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जनता को अपने मन की बात सुनाने के बजाय देश के पीएम को जन की बात सुननी चाहिए, ताकि देश की जनता समस्याओं का समाधान किया जा सके। जिन किसानों ने कभी इन कृषि कानूनों की मांग ही नहीं की, जबरदस्ती इन कानूनों को थोपना कहाँ का इंसाफ। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में कही गई बात की कृषि सुधारों ने किसानों को अधिकार अवसर दिए। अगर सच होता तो आज पूरे देश के किसान इनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन न कर रहे होते। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने भी किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने का ऐलान करते हुए हरियाणा पशुधन बोर्ड में चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने सागवान खाम 40 के समर्थन में इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि खा पंचायतों ने किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया था, इसी के चलते अब सोमवीर सागवान ने सरकारी पद से इस्तीफा देने की बात कही है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दी सलाह, बोले खेत में काम करते हुए अच्छे लगते हैं धरती पुत्र, खत्म करें डेडलॉक। दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। अनिल विज ने कहा है कि अब ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। विज ने कहा कि अब ये डेडलॉक खत्म होकर जल्दी ही वार्ता होनी चाहिए, आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हरियाणा में 10 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को खोलने के फैसले को आगे बढ़ाया गया है। हरियाणा के सभी स्कूल अगले और 10 दिन बंद रहेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी हरियाणा के अगले 10 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने हरियाणा के सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया था, अब 10 दिन और बढ़ाया गया है।
हरियाणा में फिर से 24 घंटों में कोरोना के 1604 नए केस आए सामने, तो 27 लोगों ने हारी जिंदगी से जंग। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1604 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 227,000 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 18,362 है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 2428 पर जा पहुंचा है। वहीं पर राहत की बात है कि हरियाणा का रिकवरी रेट अब 91.12% पर जा पहुंचा है। गुरुग्राम में 494 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 338, सोनीपत से 110, हिसार से 102, अम्बाला से 49 केस आए हैं। करनाल से 34, पानीपत से 16, रोहतक से 88, रेवाड़ी से 40, पंचकुला से 18, कुरुक्षेत्र से 44, यमुनानगर से 48, सिरसा से 34, महेंद्रगढ़ से 12, भिवानी से 32, झज्जर से 37, पलवल से 21, फतेहाबाद से 19, कैथल से 18, जींद से 35, नूह से 2, चरखी दादरी से 13, तो कुल मिलाकर अब तक हरियाणा में 234,126 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल हरियाणा में रिकवरी रेट के मामले में अभी भी लगभग अम्बाला का 93% रिकवरी रेट है, रेवाड़ी का भी 93% है, सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ का 97% रिकवरी रेट है। पानीपत में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर किसानों की जीत की हुई अरदास। शहर के सभी गुरुद्वारों में सोमवार को श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। कई गुरुद्वारों में किसानों की जीत के लिए भी अरदास की गई, साथ ही युवाओं को नशों से बचाव का भी संदेश दिया गया। पूर्व पार्षद आत्महत्या के मामले में हरीश शर्मा के घर पहुंचे गृह मंत्री, बोले हौसला रखें, न्याय दिलवाना मेरा काम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार शाम पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के तहसील कैंप स्थित घर पहुंचे। परिजन का हौसला बताते हुए उन्होंने कहा कि न्याय दिलवाना मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। परिजनों ने नौकरी की मांग दोहराई, नहर में गोताखोर तैनात करने की भी मांग उठाई। हरीश शर्मा के भाई सतीश शर्मा ने कहा कि उनका भाई वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन न्याय मिलने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि इसी के लिए SIT का गठन किया गया। SIT ने जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय मांगा है, जल्द ही मामले की जांच पूरी होगी, दोषी कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। पूर्व पार्षद के भाई ने पूर्व पार्षद और उनके सहयोगी राजेश शर्मा के परिजन को नौकरी की मांग दोहराई। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि वह बात करेंगे। गृह मंत्री के साथ शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर भी शामिल थे। सिरसा के बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया की ब्रांच में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। हरियाणा के सिरसा जिले में बेगरोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में सोमवार तड़के भीषण आग लगी। बैंक के ऊपर रह रहे मकान मालिक को जब धुआं दिखाई दिया तो उसने शोर मचा दिया। नीचे आकर देखा तो बैंक वाली बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी, उन्होंने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। वहीं आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों, लोगों में अफरा तफरी मची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, मगर बैंक को भारी नुकसान होने की संभावना है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और जिला प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 5 गाड़ियों ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल में किया। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार और चेयरमैनों की नियुक्ति पर लगा विराम। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। भाजपा हाईकमान ने फिलहाल बोर्ड एवं निगमों के नए चेयरमैन बनाने पर रोक लगा दी है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा ने सरकार पर मंत्रिमंडल के विस्तार और बोर्ड एवं निगमों में चेयरमैनों की नियुक्ति को खास दबाव बना रखा था। भाजपा हाईकमान ने प्रदेश सरकार को मंत्रिमंडल में बदलाव, विस्तार, चेयरमैनों की नियुक्ति, नई नियुक्तियों के लिए अभी कुछ समय इंतजार करने का संकेत दिया। बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अभी माहौल ठीक होने तक इंतजार करने की बात कही है। टिकरी व सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों पर कोरोना का खतरा, हरियाणा ने धरना स्थल पर उतारे डॉक्टर। झज्जर और सोनीपत में टिकरी व सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाई किसानों पर कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इसी से चिंतित हरियाणा सरकार ने सोनीपत में 10 एम्बुलेंस डॉक्टरों की टीम को किसानों के बीच भेजते हुए 1100 किसानों की थर्मल स्कैनिंग करवाई है। इसके अलावा 6,770 मास्क, 4,165 दवाइयाँ, 1480 इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाई बांटी गई है। इसी तरह से झज्जर के भादरगढ़ में भी 863 किसानों की जाँच का उपचार किया गया है। हरियाणा में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी, टेकरी व सिंधु बॉर्डर पर लगाएंगे लंगर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगा। साथ ही टिकरी व सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाई बैठे किसानों के लिए C2 और किसान सभा के सहयोग से मेडिकल कैंप पर लंगर लगाया जाएगा। बदमाश ने पिस्टल के साथ वीडियो भेजकर CA से मांगी रंगदारी, सक्रिय हुई क्राइम ब्रांच की टीमें। सेंट्रल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक CA से किसी बदमाश ने रंगदारी मांगी है। रंगदारी ना देने पर उसे और उसकी बेटियों को जान से मारने की धमकी दी है। CA को डराने के लिए बदमाश ने पिस्टल के साथ अपनी वीडियो भी भेजी। बदमाश ने पहले ही खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताया था। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की सभी टीमें सक्रिय हो गई। साइबर शाखा की मदद से धमकी देने वाले तक पहुँचने की कोशिश की जा रही। घटना फरीदाबाद की है।
सिरसा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मारने की धमकी में भी 4 युवकों पर मामला दर्ज। हरियाणा के सिरसा जिले में 22 साल युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दी। इसके आधार पर 4 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। जींद निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सिरसा के रहने वाले 4 युवकों ने उसे बंधक बनाया, बारी बारी दुष्कर्म किया, चारों ने उसके साथ मारपीट भी की। यह बात भी कही कि वो किसी को ना बताए उसे जान से मारा जा सकता है। अभी चारों उससे फिर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तंग आकर उसने परिजनों को मामले के बारे में बताया, पुलिस को शिकायत दी। जांच में अब पुलिस जुटी है। भूख हड़ताल का 14वां दिन, विधायक पर टिकी पानीपत के सब्जी विक्रेताओं की मांग। समरोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं का 14वें दिन भी धरना और भूख हड़ताल जारी रही। सब्जी विक्रेता शहरी विधायक प्रमोद विज से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। फड्डी मासाखोर एक समिति के पदाधिकारी ने समरोली रोड जाम करने और सांसद विधायकों के आवास घेरने की चेतावनी दी है। फड्डी मासाखोर एकता समिति के प्रधान ने बताया कि 14 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी बनाने की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाजार प्रधान आरतियों के समर्थन के बाद भी प्रशासन छोटी मंडी बनाने की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा। अभी कई दिनों से शहरी विधायक प्रमोद विज से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक शहर में नहीं है। अगले 3 महीनों तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। 11 से 15 बार आएगा पश्चिमी विभोक्ष। नवंबर बीत चुका है, ऐसे में पूरे उत्तर भारत में ठंड ने लोगों को कंपाना शुरू कर दिया। इसी बीच हमें और सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और कड़क होने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके हिसाब से उत्तर भारत में इन 3 महीनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। हालांकि माना यह जा रहा है कि अधिकतम तापमान सामान्य से बढ़ा ही रहेगा। हालांकि अभी तक हरियाणा का नारनौल सबसे ठंडा रहा है, जिसका सोमवार को पिछले साल के नवंबर में भी कम आंका गया था। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर से फरवरी 2021 तक अगले 3 महीनों में कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड अगले 3 माह में 11 से 15 पश्चिमी विभोक्ष आएगा। इसका असर मैदानी भाग पर भी पड़ेगा। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। मरना व्रत पर बैठे 11वें दिन जनरल बराड़ ने खून से लिखा पीएम मोदी को पत्र। किसानों की मांग की न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी की मांग को लेकर गत 11 दिनों से अहमदाबाद में मरना व्रत पर बैठे जनरल सिंह बराड़ ने आज देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपने खून से पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि पंजाब के किसान शांतिपूर्वक पिछले 2 महीनों से अपनी मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में जब किसान दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में कूच करने के लगे तो किसानों को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। सरकार के कृत्य ने किसानों को उत्तेजित करने का काम किया, किसानों का मनोबल बढ़ाया। सरकार द्वारा यह किया गया कृत्य कोई समस्या का समाधान नहीं है। मांग की है कि या तो कृषि कानूनों को वापस लिया जाए या फिर किसानों की मांग मानते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की घोषणा की जाए। किसानों को प्रताड़ित करने में हरियाणा सरकार देश में नंबर 1, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जायज मांगों के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हरियाणा पंजाब के हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जाने की खबरों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों के साथ देश में कहीं किसी ने नहीं रोका, लेकिन हरियाणा की सरकार ने उन्हें बलपूर्वक रोका, वाटर कैनन की बोछारें, आंसू गैस के गोले मारे, बेगुनाह हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रोहतक के बाद जींद में भी किसानों के समर्थन में उतरी खापें, करेंगी दिल्ली का कूच। किसानों के आंदोलन के समर्थन के लिए अब हरियाणा में की खापें भी सामने आने लगी हैं। जहां बीते दिन रोहतक में 30 खापों ने मिलकर किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया था, वहीं आज जींद में भी चहल खाप ने बढ़कर किसानों के आंदोलन में उनका साथ देने का समर्थन कर दिया है। महिला ने तेजाब पीकर दे दी जान, पति का आरोप प्रॉपर्टी डीलर रखता था गंदी नजर। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके में एक महिला ने तेजाब पीकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर की मारपीट से तंग आकर तेजाब पिया था। इस बीच उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक के पति ने दरखास्त के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई की बात शुरू कर दी है। 27 दिसंबर को हो सकते हैं नगर निगमों के चुनाव। हरियाणा में 3 नगर परिषदों में नगर निगमों अंबाला, पंचकुला, सोनीपत के नगर निगम चुनाव के साथ ही रेवाड़ी में म्युनिसिपल काउंसिल 4-5 और एमसी कमेटियों के चुनाव 27 दिसंबर को हो सकते हैं। ये चर्चा आजकल जोर पकड़ रही है। आधिकारिक रूप से चुनाव की डेट अभी घोषित नहीं की गई है। चर्चाओं के अनुसार हरियाणा इलेक्शन कमीशन को इस प्रोसेस के लिए 25 दिन का समय अधिसूचना जारी करने के बाद प्रत्याशियों को देना अनिवार्य किया गया है। ठंड से हिसार में 1 मौत।
जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तीन दिन पहले कैंप चौक के पास मिले अज्ञात वृद्ध की मौत ठंड के कारण हुई थी। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद प्राथमिक तौर पर मौत का कारण ठंड सामने आया है, फिर भी विसरा रिपोर्ट आने पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच की लड़ाई में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी नसीहत। किसान आंदोलन के बीच पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई तीखी बातचीत में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की नसीहत देते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए। मंत्री या मुख्यमंत्रियों को एक दूजे की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शराब तस्करी घोटाले को लेकर वरिष्ठ IPS और IAS की रिपोर्ट सौंपे हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट ने कहा। अवैध शराब की तस्करी मामले की जांच में ढलाई का आरोप लगाते हुए CBI और ED से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब हरियाणा के वरिष्ठ IAS IPS की कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तलब कर ली है। सबका मंगल हो संस्था की एंटी करप्शन डिवीजन ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से याचिका दाखिल कर मामले को अंतर्राज्यीय बताकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा था। हाईकोर्ट को बताया गया कि गृह मंत्री अनिल विज इस मामले की विजिलेंस जांच की बात कही थी, जबकि उप मुख्यमंत्री ने तो ऐसे किसी घोटाले से ही मना कर दिया था। याचिकाकर्ता संस्था ने कहा है कि इस मामले में SIT की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ही नहीं की, इसके कारण अवैध शराब की तस्करी में शामिल असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा है। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने की तैयारी में किसान, पंजाब के 30 और हरियाणा के 18 संगठन एक साथ। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करवाने के समेत अपनी मांगों को लेकर किसानों के अब दिल्ली से जुड़े 5 नेशनल हाईवे में मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। अगर सरकार जल्द बात नहीं होती तो सिंधु टिकरी बॉर्डर के बाद जयपुर मथुरा बरेली हाईवे को रोकने का फैसला लिया गया है। किसानों का नेशनल हाईवे रोकने का फैसला केवल यहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इनके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होती तो अन्य हाईवे को भी बाधित कर दिया जाएगा। इस तरह से किसानों के आंदोलन का देश भर में असर पड़ सकता है और उनसे सरकारों के साथ आम लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। हिसार में खड़े ट्रक से पंजाब रोडवेज की बस भिड़ी, 17 लोग घायल। हिसार में सिरसा रोड पर करीब 12 बजे एक सड़क हादसे में 17 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। दरअसल रात करीब 12 बजे सिरसा रोड पर एक लकड़ियों से भरे एक खड़े ट्रक में पंजाब रोडवेज की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार करीब 17 लोग घायल हो गए। घायलों में से कुछ को नागरिक हॉस्पिटल, कुछ को निजी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं, नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबका दिन शुभ रहे। कोरोना से एहतियातन सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।